अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उबकर अहमद और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग वर्डप्रेस का एक प्लगइन है जिसको WP ऑटोमेटिक कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि इसकी क्या वर्किंग है, तो उसको आप लोग फ्री में किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग इसका रेगुलर अपडेट और इसको फ्री में किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को फुल समझ आ जाए और आप लोगों को ये भी समझ आ जाए ताकि इसका न्यू अपडेट आ जाए तो वो आप लोग किस तरह ले सकते हैं, क्योंकि ये GPL लाइसेंस में है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता। ठीक है, तो रेगुलर अपडेट के साथ आप लोग इसको किस तरह ले सकते हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहले मैं आप लोगों को इसका ये इन्वाटो मार्केट का प्लगइन है और वर्डप्रेस का ऑटोमेटिक प्लगइन है। ठीक है, इससे क्या होता है कि मतलब आप लोग जो है अमेजोन से और वगैरह ईबे वगैरह जितनी भी ये मतलब इन्वाटो जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स है ना, इससे आप लोग जो है तो ऑटोमेटिकली जो है सब कुछ फिच कर सकते हैं। जितनी भी सोशल मीडिया वो है वेबसाइट्स वगैरह है उनसे आप लोग जो है कंटेंट मतलब ऑटोमेटिक अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे वो कर सकते हैं। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करके दे दूँ, योर चॉइस न्यूज़ का, ये वेबसाइट मैंने इस पे बनाई, ये लोड हो जाता है। तो ये वाले वेबसाइट भी जो है तो मैंने इसी प्लगइन पे बनाई हुई है। इसमें ये क्या होता है कि मतलब जितनी भी हम पाकिस्तानी और इंडियन न्यूज़ चैनल है ना, कुछ इंटरनेशनल, उससे ऑटोमेटिकली जो है न्यूज़ फिच होके मेरे वेबसाइट पे पब्लिश हो रही है। तो ये मैंने बनाया है, ये फुली ऑटोमेटिक है। अभी मैंने इसका जो है एडसन के लिए भी अप्लाई किया है, अगर अप्रूव हो गया तो इस पर भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दूंगा कि किस तरह आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने न्यूज़पेपर थीम यूज़ किया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो आप लोग किस तरह फ्री में ले सकते हैं। प्लगइन ये वाले यूज़ किया है तो इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये लोग आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह देख लें तो इस तरह आप लोग जो है न्यू कंपेन स्टार्ट कर लेंगे, उधर से आप लोग जो है न्यूज़ फीड वगैरह या जो है अब उधर से अमेजोन वगैरह के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है ना वो सारे उनके कंपेन यहाँ से आप लोग क्लिक बैंक वगैरह जो हो गया फीड सारे यहाँ से आप लोग इसका लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बाकी फंक्शंस का पता होगा क्योंकि आप लोग डेवलपर और लाजमी अगर आप लोग इस प्लगइन को डाउनलोड कर रहे हो तो मुझे फंक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग को इसकी प्राइस बता दूँ तो इसकी प्राइस अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो ये पाकिस्तानी बन रहे तकरीबन 6530 का। ठीक है, इस प्लगइन का आप लोग फ्री में डाउनलोड करेंगे। उससे पहले मैं ये दिखा दूँ, ये मेरा न्यूज़ वेबसाइट है। ठीक है, तो इसको मैंने इसी प्लगइन के ज़रिए और न्यूज़पेपर थीम में बनाए हुए है और ये देख सकते हैं आप लोग ऑटोमेटिकली जो है तो यहाँ पे इसकी जो सारी न्यूज़ वगैरह है वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं और सब कुछ इसमें जो है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे कुछ न्यूज़ दिखा दूँ तो अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ पे ये देखिए, ये सारा आप लोग प्रेस करें तो इतनी न्यूज़ जो है इस पर अभी तक अपलोड हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसको डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं, उससे पहले काइंडली जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को लाइक कर ले। यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्री प्लगइन थीम्स वगैरह के बारे में और उसके साथ जो है तो फ्री प्रोडक्ट्स और फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स मोबाइल पे किस तरह आप लोग सीख सकते हैं ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ भी आएंगे वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह की, मैं काम कर रहा हूँ उस पर तो वो भी आ जाएंगे आप लोगों को जो है। तो आप लोगों ने डाउनलोड किस तरह करना है, मैंने आप लोगों को एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों ने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने एक मीडिया फायर का फोल्डर ओपन हो जाएगा। आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये लास्ट अपडेट अभी 2022/1/20 को हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, स्टेप को क्रॉस कर लेना है और आप लोगों के सामने ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो यू आर डाउनलोडिंग स्टार्टिंग, यहाँ पे थोड़ा सा लोड करें, ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड पे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर नहीं है तो यहाँ से डायरेक्टली इस जगह पे ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने रेगुलर अपडेट ही लेना है कि जैसे ही इसका अपडेट आ जाए इस लिंक पे आ जाना है, यहाँ से ये अपडेट हो चुका होगा। अगर अपडेट ना हो तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आप लोगों को अपडेटेड लिंक दे दूंगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई ऐसे प्लगइन या थीम के बारे में चाहिए, मतलब आप लोगों को कोई प्लगइन थीम चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, वो मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा GPL लाइसेंस में दे दूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।